उधर बीजापुर में शहीद हुए जवानों को सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि आईडी ब्लास्ट में एसटीएफ के दो जवानों के शहीद होने और चार जवानों के घायल होने की दुखद सूचना प्राप्त हुई। ईश्वर से शहीद जवानों की आत्मा की शांति और घायल जवानों के जल्द से जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। चलिए अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे संजय ठाकुर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, एक बार फिर से नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है। जैसा कि हम आप जिक्र कर रहे थे कि जो आईडी बम बिछाते हैं उनसे बचना होता है। दो जवानों की शहादत बेहद दुखद। देखिए सुमित, एक बात जो इसमें मैं जोड़ दूं कि ये तर्रेम इलाका है जहां मंडी मार्का के पास आज ये मुठभेड़ हुई है, ये घटना हुई है। ये जो तर्रेम की सड़क है ना, इसे दुनिया की सबसे खतरनाक सड़क माना गया था। क्यों माना गया था ये बता देता हूँ। जब 2010 के बाद इस सड़क का निर्माण शुरू हुआ तो ये जो 5 किलोमीटर का पैच था, यहाँ से 100 से अधिक आईडीज बरामद हुई थी। मतलब नक्सलियों ने सड़क पे सिर्फ 5 किलोमीटर के पैच में ही 100 से अधिक बारूदी सुरंग बिछा के रखी थी। ये विश्व में इतनी अधिक बारूदी सुरंग किसी एक सड़क से नहीं निकली थी। तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इलाका कितना खतरनाक है। हालाँकि अब तर्रेम सिलगेर तक जो है कैंप खुल चुके हैं, यहाँ आगे जवानों ने अब अपने कदम बढ़ाए हैं। और ये नक्सलियों की दक्षिण पश्चिम बस्तर डिवीज़न कमेटी है जहाँ आज नक्सलियों के खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिसमें नक्सलियों ने इसी तरह की एक आईडी ब्लास्ट कर जवानों पर ये हमला किया, जिसमें दो जवान शहीद हुए हैं, चार जवान घायल हुए हैं। हालांकि सर्च ऑपरेशन रोका नहीं गया है। सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा से जो फोर्स निकली है वो अभी भी इस इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रही है। मैं उस इलाके के काफ़ी करीब हुआ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं बारिश हो रही है सुमित, तेज बारिश है, मुझे रुकना पड़ा है यहाँ पर। लेकिन जवान अभी भी जंगलों के अंदर हैं, वो अभी भी नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं। ये इलाका बारिश के मौसम में और भी खतरनाक हो जाता है क्योंकि यहाँ छोटे छोटे बरसाती नाले हैं जो बारिश के वक्त एकाएक उफान में आ जाते हैं। ऐसे में नक्सलियों के अलावा ये बरसाती नाले भी अपने आप में बिल्कुल संजय है। जिस तरीके से सुंदर राज पी ने कहा था कि आईडी बम से निपटने की यहाँ पर प्लानिंग हो रही है, कुछ खास प्लानिंग करने की तैयारी में है आईडी बमों से निपटने के लिए, बात भी सामने आई है। बहुत शुक्रिया आपका संजय।